हाँ तो एडिटर्स आ गए फिर से। सो तुमको मैंने फैक्ट वीडियो क्रिएट करना तो सिखाई दिया है, बट हमने उन्हें क्रिएट किस लिए किया है? ऑफ कोर्स यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। एंड तुमने काफी क्रिएटर को ये कहते सुना होगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना लो लाखों व्यूज आएंगे। और क्या हमारी फैक्ट वीडियो पे व्यूज आएंगे? सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7 डेज शॉर्ट अपलोड चैलेंज, जो कि तुम्हारी डिमांड है। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। सो सबसे पहले एक फ्रेश चैनल क्रिएट कर लो। काफी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, सो देख के क्रिएट कर लेना, इजी होता है। सो आज है day 1 एंड आज फर्स्ट वीडियो को अपलोड करना है। सो मैं नॉर्मली यूट्यूब एप्लीकेशन से ही वीडियो अपलोड करूंगा। प्लस पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ से शॉर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपने वीडियो को ऐड कर लेना है। वीडियो को ऐड करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है एंड थोड़ी देर वेट करना है प्रोसेसिंग होने के लिए। फिर यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट पे टैप करके यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी वीडियो में से बेस्ट थंबनेल पिक कर लेना है। थंबनेल सेट करने के बाद अच्छा सा टाइटल क्रिएट कर लो। फिर वीडियो के रिएक्शन से रिलेटेड एक इमोजी ऐड कर देना। इमोजी ऐड करने के बाद 3 हैशटैग तुम्हें लगाने हैं, #shorts, #facts एंड #factsinhindi। फिर वीडियो को अनलिस्टेड पे सेट कर दो और ऑडियंस में नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को सिलेक्ट कर लेना एंड वीडियो को कर देना अपलोड। फिर YouTube स्टूडियो में आकर इसके टाइटल को मैंने कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। फिर टाइटल का स्टार्टिंग पार्ट को कॉपी किया एंड टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर दिया एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ टैग्स भी लगा दिए। फिर वीडियो को मैंने सुबह 10 बजे शेड्यूल कर दिया। सो इस वीडियो से हमें एक दिन में 308 व्यूज मिले, जो कि फर्स्ट वीडियो के लिए काफी अच्छे हैं एंड इसका ऑडियंस अटेंशन शो नहीं हो रहा है एंड इस वीडियो से हमें एक न्यू सब्सक्राइबर भी मिला है। आज है day 2 और अब भी मैं सेम day 1 की तरह ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो day 1 का प्रोसेस ही आपको फॉलो करना है एंड इस वीडियो से हमें मिले 1K+ व्यूज एंड इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 79% का है एंड इस वीडियो से हमें मिले 3 न्यू सब्सक्राइबर। फिर day 3 पर भी मैंने सेम तरीके से सेम टाइम पे वीडियो अपलोड कर दिया। सो इस वीडियो से हमें 478 व्यूज मिले, जो कि हमारे लिए इनफ नहीं है एंड इसका ऑडियंस रिटेंशन 81% का है एंड इस वीडियो से एक न्यू सब्सक्राइबर भी मिला। तो यार अब व्यूज कम आ रहे हैं, सो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि सिंपल है। हम वीडियो का अपलोडिंग टाइम चेंज करेंगे। सो वही सेम तरीके से वीडियो पे टाइटल टैग लगाकर वीडियो को अपलोड कर दिया, बट इस बार शाम के 4 बजे। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। सो इस वीडियो पे 1.6K+ व्यूज मुझे मिले, जो कि पहले से तो अच्छे हैं बट हमारे लिए इनफ नहीं है एंड इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 73% का है, जो कि शॉर्ट वीडियो के लिए काफी कम है और शायद यही रीजन है कि इस वीडियो पे 1.6K ही व्यूज आए एंड इस वीडियो से हमें 7 न्यू सब्सक्राइबर भी मिले। सो लास्ट वीडियो पे कमी थी ऑडियंस रिटेंशन में और उसको इंक्रीज करने के लिए वीडियो एंगेजिंग बनाना होगा, जो कि अच्छी एडिटिंग से होगा एंड एडिटिंग के साथ इसमें मैंने एक तरीका भी यूज किया है, जो है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को यूज करना। सो वीडियो अपलोड करने का तरीका सेम है बट छोटा सा चेंज है। ऊपर एड साउंड पे क्लिक करो एंड यहाँ टॉप साउंड लिखा है, उसमें से एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लो एंड एरो पे क्लिक करने से तुम्हारा साउंड ऐड हो जाएगा। फिर ऊपर 2 डॉट पे क्लिक करो एंड योर ऑडियो वाला बार है उसे फुल कर दो एंड जो सॉन्ग का वॉल्यूम है उसे 1% कर दो। अब इससे फायदा ये होगा कि इस साउंड के पेज से भी तुम्हारे व्यूज आएंगे। अब वीडियो को अपलोड कर दो सेम तरीके से टाइटल टैग लगाकर। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। सो इस वीडियो से हमें मिले 6.1K व्यूज, जो कि पहले से तो अच्छे हैं एंड इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 87% का है, जो हमारे लिए तो बहुत है बट शॉर्ट वीडियो के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे अच्छे व्यूज चाहिए तो 90%+ ऑडियंस रिटेंशन चाहिए होगा, जो कि हम ऑलमोस्ट कवर करने ही वाले हैं एंड इस वीडियो से हमें 20 न्यू सब्सक्राइबर भी मिले एंड इस वीडियो ने पिछले सभी वीडियोस से अच्छा परफॉर्म किया है। सो इस बार मैंने सोचा कि IPL काफी ज्यादा ट्रेंड में है, सो उस टॉपिक पे एक फैक्ट वीडियो क्रिएट करते हैं। सो वीडियो को सेम तरीके से ही मैंने अपलोड किया एंड सारे वीडियोस भी मैंने सेम तरीके से ही अपलोड किए हैं, बस एक ट्रेंडिंग साउंड को यूज कर लेना। सो इस वीडियो से मुझे ऑलमोस्ट 2.5K व्यूज मिले, जो कि पहले से डाउन है, जिसका रीजन है ऑडियंस रिटेंशन, जो कि 84% का ही है एंड 5 न्यू सब्सक्राइबर भी मिले। सो लास्ट डे पर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट वीडियो पे नहीं किया, नॉर्मली सेम तरीके से सेम टाइम पे शाम 4 बजे वीडियो अपलोड कर दिया। सो इस वीडियो से मुझे मिले 7.5K व्यूज एंड इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 97% का है, जो कि सबसे ज्यादा है अब तक और इस वीडियो से हमें 10 न्यू सब्सक्राइबर भी मिले। सो यही 7 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं एंड अब देख लो सभी वीडियोज के व्यूज।
अब बात करें चैनल की, सो चैनल का नेम है क्रॉपडिट शॉर्ट्स एंड लास्ट 7 डेज में इस चैनल पे 21.3K व्यूज आए एंड 99.5 आवर वॉच टाइम, जो कि शॉर्ट वीडियो के लिए कोई काम का नहीं होता है। सो यही था आज के इस वीडियो में, एंड यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही दो, एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इस चैलेंज को 30 डेज तक करूँ और वो भी आपके चैनल पे, सो कमेंट कर देना एंड कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि डे 7 वाली वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज कैसे आए, सो उसका रीजन है टॉपिक, जो कि इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बताया है, सो चेकआउट कर सकते हो। बाय।